चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ तो एक तरफा फूल ही हो रहा है। अच्छा, फूल हो रहा है, लेकिन यहाँ तो अभी सारे के सारे नहीं, कहो जो इस बात का क्या सारा है। अच्छा। छत्तीसगढ़ राज्य का फूल के साथ ही है। और यहाँ परिवर्तन में जो है केवल जो है विजय कौशिक की तरफ जो है सर्व समाज का झुकाव बना हुआ है। ब्राह्मण और एक मस्जिद का मुल्ला, ये ईमानदार आदमी होते हैं जो संख्या करते हैं, बढ़िया करते हैं शेर के अंदर। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। यूपी में अभी नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, 4 मई को जिला शामली में वोट डाले जाएंगे। अभी हम जिला शामली में, जिला शामली का ये मेन रोड है। बीजेपी से यहाँ पे अरविंद संगल जी है और समाजवादी गठबंधन रालोद और आसपा गठबंधन से विजय कौशिक जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी चेयरमैन प्रत्याशी आप अपनी तैयारियों में लगे, तो अभी शामली के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किस चेयरमैन को ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, आपका नाम? बाबूराम पवार। अच्छा पवार जी, क्या लग रहा है नगर निकाय चुनाव हो रहे, किस कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग? शहर की जनता का मन जो है परिवर्तन का है जी। और यहाँ परिवर्तन में जो है केवल जो है विजय कौशिक की तरफ जो है सर्व समाज का झुकाव बना हुआ है जी। और जो है सर्व समाज ने जो है अपना मन बना लिया है कि अब की बार जो है विजय कौशिक को जो है शामली नगर पालिका का चेयरमैन बनाने का मन बना। ये सब देखती है क्योंकि ये केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जनता जो है ये सब देख रही है कि जो है इस सरकार में जैसी उम्मीदें की थी उस तरह का परिणाम जनता को नहीं मिला। आपका नाम? नदीम कुरैशी। अच्छा कुरैशी साहब, क्या लग रहा है चुनाव में? भाई चुनाव तो गठबंधन जीत रहा। अच्छा। 10 की 10 सीटें, इनसे लोग परेशान आ गए, किसान मजदूर हर आदमी परेशान है मेरा भाई इनसे। कारोबार कर तो करते इंसान के पूरे नहीं पड़ रहे, महंगाई इतनी बढ़ गई, हर चीज़ का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा जो चीज़ है मुद्दा वो उठाने रखा, महंगाई विकास बताओ क्या हो रहा, कुछ हो रहा का। अच्छा शामली में साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? फिलहाल कुछ व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई कुछ नहीं शामली में। अच्छा आपको जो अभी आपके चेयरमैन जो कह रहे हैं कि होने वाले चाहे जीते तो उनसे क्या, जो भी चेयरमैन शामली का बनेगा उससे क्या अपेक्षा होगी आपकी कि हमारे ये काम होंगे? हमारी सबसे पहले अपेक्षा होगी जाम, शामली जाम से मुक्त हो, शामली में जाम बहुत ज़्यादा लगता है, साफ सफाई की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, हमें चेयरमैन साहब से और बगैर टुल्लू पंप के पानी पहुँचे। साफ पानी पीने के लिए आता है, खुद आपको मोटर, खुद का ही मोटर लगाना होता है? खुद का मोटर लगाना पड़ेगा, हमारी जो है बिना मोटर के पानी पहुँचे घर घर। जी आपका नाम? एक हाँ जी, मेरा नाम जयद्रथ चौधरी जी। जयद्रथ चौधरी। अच्छा जी, क्या लग रहा है चुनाव में शामली में, किस तरह का काम होगा इस बार और चुनाव में कौन नजर आ रहा है? काम तो इसमें बहुत अच्छा होगा जी, गठबंधन सारे विजय कौशिक जी यहीं जीतेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि योगी जहाँ जाते हैं वहाँ जीतते जाते हैं। भाई योगी तो वहाँ अमित शाह जी भी आए थे कैराना में, कैराने में तो अमित शाह भी आए थे और यहाँ शामली में योगी भी आए, लेकिन वे तो लखनऊ बैठते हैं, यहाँ तो यहीं रहते हैं हम लोग, यहाँ के पब्लिक का रुझान किसकी तरफ होगा, जो काम कराने वाला होगा, सबकी सुनने वाला होगा, जो पब्लिक के बीच में रहेगा, वो तो जीत निश्चित उसी के है, गठबंधन है हमारा, गठबंधन की जीत होगा। अब के जो नए चेयरमैन आएंगे वे काम कराएंगे। राजेश्वर साहब पहले चेयरमैन बढ़िया रह चुके हैं, उन्हें बरत के देख लिए, अरविंद संगल को बरत के देख लिया, अब इस साल में एक नया कैंडिडेट है, किस लिए देख रहे हैं? ब्राह्मण है, ब्राह्मण और ब्राह्मण सबसे बड़ा प्रभाव होता है ब्राह्मण का, ब्राह्मण और एक मस्जिद का मुल्ला, ये ईमानदार आदमी होते हैं जो संख्या करते हैं, बढ़िया करते हैं शेर के अंदर, ना तो इसको लालच है विजय कौशिक की चीज़ का, ये तो नगर पालिका के चाय पिएगा ना तो हमारी गर्दन काट दो पीवे नहीं हो, मगर ये शामली में ऐसा विकास करेगा जैसा लंदन शामली को बना देगा। यो विजय कौशिक अपने घर से पैसा लगाने वाला, ये नहीं कहीं नगर पालिका ठेका बेच दिया या कहीं वो बेच दी पार्किंग बेच दी, ऊपर वाले उसके बेहतरीन मौत रखी, वो 5 साल से गरीबों के साथ पूरी सेवता कर रहा, किसान की, जाट की, झिमर की, गडरिए की, छत्ती बिरादरी की, पूरा मान सम्मान कर रहा जी 5 साल से, पहले भी हारा था ये बेचारा, अब क्या लोगों को पता लग गया, हाँ भाई चेयरमैन साहब कैसे बन रहे हैं, ये पब्लिक कैसा चुनाव होगा, बड़े बड़े नेता भी आवेगा यहाँ से, मगर कितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी आ जाओ मगर इसको रहने वाले चेयरमैन का, क्यों गठबंधन सबका साथ है, सबका विकास है, पूरे शहर का सामने हमारा। जी आपका नाम? पंकज कुमार। अच्छा पंकज भाई, क्या लग रहा है चुनाव में? भाई यहाँ तो एक तरफा फूल ही हो रहा। अच्छा फूल हो रहा, लेकिन यहाँ तो अभी सारे के सारे नहीं, कहो जो इस बात का क्या सारा है, छत्तीसगढ़ राज्य का फूल के साथ ही है। अच्छा क्यों पसंद कर रहे हो आप यहाँ पे? शामली में अरविंद संगल ने पहले वो काफी काम करा रखे हैं, इसलिए यहाँ तो फूल एक तरफ ही है, जीत भारी होगी। पहले भी चेयरमैन रहे? पहले भी चेयरमैन रहे। अच्छा पहले चेयरमैन रहे तो शामली में किस तरह की
मतलब नई चीज उन्होंने लागे थे। ये सब अरविंद संगल के करवाए हुए हैं, जल की व्यवस्था जहाँ तक टंकी नहीं गई, ये डिवाइडर बनवाए हुए, शौचालय बनवाए हुए, सब अरविंद संगल के सड़कें। अच्छा, कोई सा भी कस्बा हो या कोई सा भी शहर हो, उसमें देखा गया है कि कूड़ा उठाने की एक प्रॉपर जगह नहीं है, तो क्या शामली में उस तरह की व्यवस्था है? हाँ, शामली में है। अच्छा। हर जगह गाड़ी सुबह के टाइम गाड़ी आती है नगर पालिका की, सूखा कूड़ा की जगह गीला अलग। अच्छा जी, भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम प्रभात मलिक। अच्छा प्रभात जी, इस बार शामली का जो माहौल देखा जाए वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? देखिए, जो है बाबू सिंह जी ने कहा, ये बाबू राम जी ने बहुत सही कहा, शामली की जनता परिवर्तन चाह। विजय कौशिक जी पहले चुनाव हारे थे और शामली की जनता जैसे सब जाते हैं तो बताते हैं कि 5 साल से ही लोगों के बीच हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। तो अब कहो शामली में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार विजय कौशिक जी विजय होंगे। क्या यह अभी जो नगर निकाय जो चुनाव हो रहा है, क्या इस पर लोकसभा पे असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जनता पागल नहीं है, जनता को वहाँ जाएगी, जनता जो उनके सुख दुख में साथ हो। देखिए, जनता कोई भीड़ की वो तो है नहीं, जनता पब्लिक ये तो ऐसी है जो तख्ता पलट देती है, जो गलत है उनका पहले से विरोध। और शामली का तो इतिहास ही रहा है, ये सरोज ही बताऊँगा, और तो हमारे साथ बड़े हैं, चेयरमैन साहब हैं, पवार साहब हैं, यहाँ राजनीतिक आदमी जब कुछ विपता हो जाए, इतिहास गवाह है, तो यहाँ राजनीति नहीं देखा करते, सब एक हो जाओ, ये तो है ही चुनाव। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लड़ाई सत्ता की नहीं है। अच्छा। यहाँ लड़ाई विचारधारा की है, एक वो विचारधारा है कुछ लोगों की जो इस समाज को जाति और धर्म में बांट कर राजनीति करते हैं, एक विचारधारा है चौधरी चरण सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री की, APJ अब्दुल कलाम की, जो समाज को जोड़कर भाईचारे की भावना पैदा करते हैं, और राष्ट्रीय लोकदल का हर सिपाही उसके लिए समर्पित है, भाईचारे की भावना के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँ, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल में चेहरे नहीं, इंसान नहीं चेहरे पढ़े जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं, यहाँ ईमान पढ़े जाते हैं, और ये मेरा मुल्क इसीलिए महान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, शामली जिले से। रिक्शा वाला भी है, इस देश में मजदूर भी है, इस देश में ठेली चलाने वाला भी है, नहीं, इस देश में सब्जी बेचने वाला भी है, इस देश में कोई कमरा कुरैशी भाई है, काय ले जरा चौधरी साहब से, एक मिनट 200 लोग बताते हैं, गांव तस्कर मुसलमानों को मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं भाई? कौन सा हमारा मुसलमान भाई गांव तस्कर है भाई? है इस बात का मैं जवाब चाहिए मुख्यमंत्री जी से, कुरैशी भाइयों को गाय की उसमें हत्या में वो कर रहे हैं, पता नहीं कितने मार दिए, अभी वहाँ से गए राजस्थान में, तो मुसलमान मारे, उनका हथकड़ी लागे भाई, उनका जो जिन्होंने उनका गोली मारी उनको क्यों नहीं मारा? है अतीक का हथकड़ी लागे मार दी, अतीक मुजरिम था, जज था, कोर्ट था, वकील था, थाना था, दरोगा था, सब कुछ था, 17 पुलिस वालों ने घेर रखा, पत्रकार से बात कर रहे, पीछे से गोली ठोक दी, बस क्या हो रहा है इस देश में? इस देश का कोई कानून है, संविधान है नहीं है? भीमराव अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया, संविधान बनाया, है मुझे किसी पार्टी को लेना देना नहीं है, न मैं अखिलेश का गुलाम, न मैं क्या नाम मुख्यमंत्री योगी का, न मैं राहुल गांधी का, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी की वोट नहीं मांग रहा, मुझे जवाब चाहिए मुख्यमंत्री से और क्या नाम मोदी से, अब भाई क्या हो रहा? लेकिन वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम कर रहे विकास तो कह रहे विकास, गुंडागर्दी हो रही, अभी 2 मुसलमान चाहिए, अभी बजरंग दल के 150 आदमी भेजेंगे, मुसलमानों को मार देंगे, नए दशन है, नए दशन को जेल में डाल दिया, भाई कितने मर्डर कर दे भाई नए दशन ने, हमें सवाल है जवाब दो, चलो भाई MP का लमडा होगा, गरीब घर से नहीं भूखा नहीं है वो, दादा BMP, माँ BMP, बाप BMP, खुद विधायक 3-3 बार, क्या हो रहा है इस देश में? कोई कानून नाम की व्यवस्था नहीं है इस देश में, है? और भाई मेरा डर लग रहा है कभी मैं जेल में ना चला जाऊँ, यहाँ कोई भाषण भाई देगा, मैं किसी पार्टी का नहीं काम आदमी, मैं तो सिर्फ नया का काम करूँ, तब तक सुबह धाड़ी बनाऊँ। जो भी चुनाव होते हैं वो किन मुद्दों पर होने चाहिए? जी वो शामली की अच्छी अच्छी फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये रोड वगैरह के लिए, और जी बच्चों के खेल के मैदान के लिए वगैरह, इनके लिए होने चाहिए। जी आपका नाम सर? भैया रजत कुछल जी। रजत? अच्छा रजत जी, क्या लग रहा चुनाव में इस बार? भैया चुनाव में इस बार अरविंद संगल जी लग रहे हैं, क्योंकि राज्य में काम भी हुआ है, पानी की समस्या भी दूर हुई है, हर चीज़ हुई है भैया,
तो इस बार अरविंद संगल जी ही लग रहे हैं। अच्छा, अरविंद संगल जी का ट्रम्प कब से कब तक था यहाँ पे चेयरमैन जो रहे थे वो? मेरे हिसाब से 12 से 17 तक का था करीबन। तो उनके राज्य में सर्विस बढ़िया हुई है, अजंता के बीच भी आई है, कोई समस्या किसने फ़ोन मारा है भागे भागे आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं उनके राज्य में। हर घर में सबसे पहले तो सड़क, पानी, बिजली ये चीज़ होती है भैया, इनके ऊपर ही बनती है, ये चीज़ अच्छी हो रही है इस वजह से ही। नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ कमल के फूल को देखकर ही वोट कर रहे हैं, ना कि प्रत्याशियों को देखकर। कुछ ऐसा भैया देखो जी, अरविंद संगीत से हम भी जानते हैं, कोई दिक्कत परेशान ना होते चले आते हैं, किसी बात में कोई दिक्कत नहीं आज तक, तो इसी वजह से बस। अच्छा, अरविंद संगल जी अगर निर्दलीय लड़ते फिर? ऐसा ही देखो जी, निर्दलीय भी लड़ते तो उन्हें ही देते, क्योंकि काम की वजह से, इसी वजह से भैया। अभी हम जिला शामली में थे और जिला शामली में हमने यहाँ पे नगर निकाय के जो चुनाव है यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।